क्या बताऊं मैं ना हूँ दोस्तों, अभी तिजुगिनारे मेरा तिजुगिनारे अचानक ही प्लान हुआ। बोलते ना कि जहाँ भगवान का बुलावा, तो सभी लोगों को मेरा प्रणाम। दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि मैं जड़ी बुग्याल का ट्रैक कर रहा था। ट्रैक मेरा बहुत बढ़िया जा रहा था, मसान देवता की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक ही मेरा ड्रोन क्रैश हुआ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कभी भी लोगों का दिल से धन्यवाद। आप सभी लोगों ने कमेंट किए, किसी लोगों ने मेरी मदद की, किसी लोगों ने नहीं की, किसी लोगों ने अच्छे कमेंट किए, किसी लोगों ने बुरे कमेंट किए, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पर किसी लोगों ने काफी बुरे कमेंट किए, उन्हें तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ, वो तो मुझे ही पता होगा मुझ पे क्या बीती, मैं किस दौर और किस दर्द से गुजरा। ये वही लोग समझ सकते हैं जो इस दौर से गुजर चुके हैं। मैं तो यही कहूंगा कि भगवान ऐसा किसी के साथ न करे। पर्वत बचले सकती लाठी घाटी। और दोस्तों इस हरियाली को बहुत पवित्र माना जाता है। जय भवानी स्थित नंदी स्कंद गणादिनाथ सहितम। आज की सांस्कृतिक संध्या मंच पर उपस्थित तो अभी दोस्तों दिन का समय है और बढ़िया करके हमारा खाना भी हो गया। इधर मामा जी हैं, इधर भाई है। मामा हो गया खाना? वही रहा। और आज मेरी तैयारी है तिजुगिनारायण निकलने की, तो ठीक है मामा तुम्हें तो ओके, कल परसों मिलते हैं। ठीक है भाई। तो बाकी दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूँ काकड़ागाड़। ब्लॉग की शुरुआत भी काकड़ागाड़ से हो रही है, तो चलिए जी ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है लोकेश्वर, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के छोटे से मार्केट यानी कि काकड़ागाड़ से भाई। और अभी भाई काकड़ागाड़ में मेरे साथ इधर चाचा जी हैं। चाची प्रणाम। प्रणाम। ठीक है? बस चाची बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया। मैं आज मेरी तैयारी है तिजुगिनारायण जाने की। मैं अकेला चल रहा हूँ, तो मैंने चाचा को बोला कि मेरे साथ चलो। चाचा चल रहे? अरे कहाँ यार, टाइम नहीं है मेरे पास है। ओहो, तो देखो भाई चाचा नहीं चल रहे हैं, फिर कभी आना। ठीक है, गंगे चलेंगे तू और मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चाचा और मेरा ट्रैक बहुत जबरदस्त होने वाला है। ठीक है चाचा, तुम्हें आराम से रहना। ठीक है, फिर कल परसों मिलते हैं। और दोस्तों आज जो मेरा ट्रैक होने वाला है वो होने वाला है भाई सीधे तिजुगिनारायण तक। रास्ते का वीडियो मैं इसीलिए नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि भाई मैं अकेला चल रहा हूँ ट्रैक में, और ट्रैक काफी लंबा होने वाला है और मुझे जल्दी जल्दी निकलना होगा क्योंकि आपको पता होगा मानसून का टाइम है, बरसात किसी समय भी आ सकती है। दोस्तों मैं निकल चुका हूँ काकड़ागाड़ से सीधे भाई तिजुगिनारायण के लिए। मौसम तो काफी बढ़िया हो रखा है, अभी अच्छी खासी धूप लगी है, तो भाई बारिश आने से पहले पहले जल्दी जल्दी तिजुगिनारायण पहुँचना होगा भाई। अभी दोस्तों चलते चलते मैं पहुंच चुका हूं एक कुंड में। कुंड से दो रास्ते करते हैं, एक जाता है गुप्त काशी केदारनाथ के लिए और दूसरा जाता है वो उखीमठ के लिए, और मुझे जाना है केदारनाथ वाले मार्ग पर। दोस्तों मैं कुंड से काफी आगे पहुंच चुका हूं और बाकी दोस्तों जो आपको ये सामने दिख रहा है ये है वो उखीमठ। वहाँ से चलते चलते मैं पहुँच चुका हूँ मेन मार्केट गुप्त काशी। बाकी भाई गुप्त काशी के मार्केट का हाल समाचार कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों सबसे बढ़िया मुझे गुप्त काशी में जो ऊपर आप ये हल्की हल्की छोटी छोटी झंडियाँ देख रहे हैं ये लगता है भाई। बाकी दोस्तों ये ठीक सामने है काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रवेश द्वार। दोस्तों यहाँ से 100-200 मीटर की दूरी पर भगवान काशी विश्वनाथ का मंदिर है। मुझे काफी देर हो रही है तो इसलिए मैं अगली बार जाऊंगा भगवान जी के दर्शन करने वहाँ। दोस्तों अब गुप्त काशी से निकलते हैं केदार घाटी के लिए भाई। तो एक प्यारी सी जगह पे रुक के मैंने जैकेट भी पहन लिया है क्योंकि भाई बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है। तो मेरे ठीक सामने आप देख सकते हैं कितना गजब का झरना बह रहा है भाई, बहुत प्यारा लग रहा है और सभी यात्री लोग यहाँ पर फोटो शूट कर रहे हैं। अरे वाह। बाकी दोस्तों सफर में नज़ारे तो काफी गजब के हैं, पर भाई साहब रोड की हालत देख सकते हैं आप, बहुत खराब और बहुत खतरनाक है भाई। तो केदार घाटी में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, इसीलिए आजकल लगातार प्रशासन केदार घाटी की ओर चल रहा है भाई। बाकी दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूँ भाई रामपुर में। रामपुर में मुझे गेंठाना के भाई मिले। हेलो भाई। हेलो भाई यार, तो बहुत बड़े फैन है। बढ़िया, कहीं जाना बार भाई। ठीक है भाई, तुम्हें लगे लगे रहा। तो मैं थोड़ा रामपुर में रुका हूँ, यहाँ पर एक भेजी का होटल है। भेज प्रणाम। ठीक हो भेजी? बढ़िया। हेलो अजय भाई। नमस्कार। बढ़िया, बस बढ़िया। हाँ तो देखो भाई, और यहाँ पर देख लो, यहाँ पर पहुँचते ही भेजी ने गर्मा गर्म चाय ऑफर की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। भेजी बहुत बढ़िया आदमी है, मैं काफी सालों से जानता हूँ भेजी को।
दोस्तों गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं। और देख लो भाई चाय के साथ साथ गर्मा गर्म पकौड़ी भी बनाई है भाई। दोस्तों बढ़िया करके चाय भी पी ली है और पकौड़ी भी खा ली है भाई। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ओके मिलेंगे। ठीक है अजय भाई, तुम्हें बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है भाई, तुम्हें बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई। यहाँ से निकलते हैं सीधे सीतापुर के लिए। तो आप जो है सामने होटल देख सकते हैं, ये केदार घाटी का सबसे बड़ा होटल है भाई शिवालिक। तो सीतापुर से आगे मैं रुका हूँ भाई सोनप्रयाग में, और सोनप्रयाग से दो रास्ते जाते हैं, एक जाता है भाई केदारनाथ और गौरीकुंड के लिए, और दूसरा जाता है त्रिवेणी नारायण के लिए। और दोस्तों यहाँ से जो गौरीकुंड की दूरी है वो है मात्र 5 किलोमीटर और त्रिवेणी नारायण की दूरी है 13 किलोमीटर। दोस्तों कई सारे लोग बोल रहे हैं कि केदारनाथ यात्रा नहीं चल रही है, बहुत कम चल रही है, पर मेरे हिसाब से यात्रा बहुत बढ़िया चल रही है। ये आप सामने पार्किंग देख सकते हैं सोनप्रयाग की पार्किंग, सोनप्रयाग की पार्किंग भी एकदम फुल भरी है। देख लो भाई नीचे से और पूरे ऊपर तक बस गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, और अभी भी देख लो भाई यात्री लगातार चल ही रहे हैं, कोई त्रिवेणी नारायण के लिए और कोई केदारनाथ के लिए। दोस्तों इस घाटी में इस बार तोड़फोड़ बहुत ज्यादा हुई है भाई, और बाकी दोस्तों जाम देख लो, इस घाटी में जाम बहुत ज्यादा लगता है क्योंकि भाई रोड भी काफी सकरी है और वाहन बहुत ज्यादा चलते हैं। देखो भाई जाम ही जाम, जाम ही जाम, हर चार कदम पे जाम। मैं भी निकल चुका हूँ त्रिवेणी नारायण के लिए, पर भाई रास्ते में जाम इतना मिल रहा है कि क्या बताएं। अभी दोस्तों समय हो रहा है 7:58, बाकी भाई मैं पहुँच चुका हूँ त्रिवेणी नारायण, और ये मेरे ठीक सामने रहा भगवान त्रिवेणी नारायण का मंदिर। यह करके हमने मंदिर में दर्शन भी कर लिए हैं, और बाकी भाई आप मेरे हाथ में ये देख सकते हैं, ये भाई भगवान जी का प्रसाद यानी कि हरियाली। तो इस हरियाली को बहुत पवित्र माना जाता है, तो भगवान नारायण की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर भी बनी रहे भाई। तो यहाँ देख लो भाई सभी लोग लाइन लगा रहे हैं अंदर भगवान जी के दर्शन के लिए। और दोस्तों दर्शन करने से पहले यहाँ पर मुंह हाथ धुलना पड़ता है। आगे मंदिर में तो बहुत ज्यादा भीड़ है, अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हुआ था भाई शिवजी और पार्वती का कन्यादान, और जो शिवजी पार्वती का ब्याह हुआ यानी कि शादी हुई वो तो भाई मंदिर के अंदर हुई। मंदिर के अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, वहाँ ध्वनि यानी कि अग्नि जल रही है, और माना जाता है, कहा जाता है कि वो जो अग्नि जल रही है वो सतयुग से जल रही है भाई। तो आप यहाँ पर ये तस्वीर देख सकते हैं, ये भाई शिव जी की और ये है माता पार्वती की, जय हो प्रभु। और अभी दोस्तों देख लो भाई रात का समय है और मंदिर में कितनी सारी भीड़ है। तो अभी दोस्तों मैं मंच के पास पहुंचने ही वाला हूं, और रौनक बहुत बढ़िया है भाई, काफी सारी भीड़ है। बोलो नारायण भगवान की, बोलो क्षेत्रपाल महाराज की, बोलो बदन पंख कटिया पर्वत उड़ी नहीं सकदन बचले नहीं सकती लाठी घाटी ढूंगा पणवा पणकिन जक ऋषि मुनि आहा कद का पवित्र ची हमारी केदार घाटी तिरंगी नारायण की माटी। नाथ रुद्रनाथ कल्पेश्वर केदारनाथ मधमेश्वर राज रक्षा मुल्क मेरू राज रक्षा को तुम पर आस विश्वास कुल का जब दो और जस्म सल ध्यान प्रभु पहाड़ों में बसा सा केदार घाटी त्रिवेणी नारायण में बसा सा अलग दिशा में ले जानो छो
मेरी कोशिश वाली कि मैं आप तक पहुंचूं। हिमो तो कुर्सियों अभी जरा देर को ये हल्ला भी छोड़ो, हल्ला ना करे, हल्ला करा पर झगड़ा झगड़ी ना करे। ए मोटरी कुसेड़ो होयो होटली को काणो इडले भरी कलेंडरी मां, इडले भरी कलेंडरी मां। ए मोटरी कुसेड़ो होटली कुसेड़ो होटली को काणो इडले भरी कलेंडरी और मेरा समिति का वास्ता जूनियर मंच ग्राम प्रधान प्रियंका तिवारी जी को। कंठे यश विराजते ही गरलम गंगा जलम मस्तके वामांगे गिरिराज राज तनया जया भवानी स्थिता नंदी स्कंद गणादिनाथ सहितम श्री केदार नाथम प्रभु केदारांचल संस्थितो हि सहितम कुरिया सदा मंगलम। बोलो श्री केदारनाथ भगवान जी की, बोलो श्री त्रियोगी नारायण भगवान जी की, बोलो श्री क्षेत्रपाल महाराज जी की। आवाज कम हुई है तुम्हारे आज, आज भीड़ ज्यादा से आवाज कम की दौड़ी। आज की सांस्कृतिक संध्या मंच पर उपस्थित आज का मुख्य अतिथि श्री 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 1008 महामंडलेश्वर जी, विशिष्ट अतिथि उत्तराखंड राज्य मंत्री श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी, भाजपा का जिला अध्यक्ष श्री महावीर पवार जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री दिनेश दुनियाल जी। कार्यक्रम तो बहुत जबरदस्त हो रहे हैं। Thank you.
दोस्तों सभी लोगों को मेरा प्रणाम। दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि मैं जड़ी बुग्याल का ट्रैक कर रहा था। ट्रैक मेरा बहुत बढ़िया जा रहा था, मसान देवता की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक ही मेरा ड्रोन क्रैश हुआ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कभी मेरा ड्रोन क्रैश होगा। आप लोगों के लिए या किसी और के लिए ये छोटी बात होगी, पर मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा 1-1.5 लाख हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखता है। हम हैं मिडिल क्लास लोग, 1-1.5 लाख का ड्रोन मतलब बहुत ज़्यादा होता है हमारे लिए। वो तो मुझे ही पता था कि मैंने किस हाल में लिया था और कैसे लिया था वो। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। आप सभी लोगों ने कमेंट किए, किसी लोगों ने मेरी मदद की, किसी लोगों ने नहीं की, किसी लोगों ने अच्छे कमेंट किए, किसी लोगों ने बुरे कमेंट किए, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पर किसी लोगों ने काफ़ी बुरे कमेंट किए, उन्हें तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। वो तो मुझे ही पता होगा मुझ पर क्या बीती, मैं किस दौर और किस दर्द से गुजरा। ये वही लोग समझ सकते हैं जो इस दौर से गुजर चुके हैं। मैं तो यही कहूँगा कि भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। जब समस्याएं आती है वो चारों तरफ से आती है, क्या बताऊँ मैं ना। वो दोस्तों अभी तिजुगी नारियल अचानक ही प्लान हुआ। बोलते ना कि जहाँ भगवान का बुलावा आता है आदमी वहीं चला जाता है, तो मैं अभी तिजुगी नारियल में हूँ। भगवान जी से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोगों पर भगवान तेजोगी नारायण की कृपा बनी रही। आप लोगों ने मेरी मदद की, मुझे कमेंट किए, मुझे सहारा दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप लोग मेरी मदद करो ही करो, क्योंकि ड्रोन पे बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है और इतना ज्यादा खर्चा हम मिडिल क्लास लोग एकदम से एफर्ट नहीं कर पाते हैं, मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है ये। दोस्तों मैं यही कहूंगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नेगेटिव कमेंट ना करें, क्योंकि बहुत बुरा लगता है। एक तो दोस्तों मेरे साथ बुरा हो रहा, ऊपर से आप बुरे कमेंट कर रहे, तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि पहले आदमी प्रॉब्लम में है, फिर कमेंट देके, और आपके लिए वो सिर्फ एक कमेंट होता है, हमारे लिए वो फीलिंग होती है, क्या बताऊं मैं ना। तो प्लीज बुरे कमेंट ना करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो लोग मदद करना चाहते हैं मदद करें, और जो नहीं करना चाहते हैं वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पर प्लीज नेगेटिव कमेंट ना करें, क्योंकि बहुत बुरा लगता है यार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आज या कल से आपको तेजोगी नारायण के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। फिर से आपको जब मेरा ड्रोन क्रैश हुआ उसके बाद के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बाकी दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो लोग मदद करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मदद करने का मतलब यही नहीं होता है कि सिर्फ आप हमें पैसे भेजो, आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, वही मेरी सबसे बड़ी मदद होगी यार। पर दिल से बोल रहा हूँ मैं, प्लीज नेगेटिव कमेंट मत करना, क्योंकि नेगेटिव कमेंट करने से हमें बहुत बुरा लगता है यार, मैं बता नहीं सकता हूँ। एक तो आदमी दर्द में है, फिर से और दर्द, अब क्या बताऊँ ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, यही कहना चाहता हूँ कि नेगेटिव कमेंट, प्लीज नेगेटिव कमेंट मत करना यार।